नवसृजित बावर जिले के टाटगढ़ उपखंड के टाटगढ़ गांव इस निवासी एक 80 वर्षीय अंधे विलाचार व्यक्ति की खातेदारी जमीन पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण करने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। दबंगों की धमकियों तथा जानमाल की सुरक्षा की गुहार को लेकर पीड़ित मंगलवार को परिवार के साथ ब्यावर पहुंचा, जहां पर उसने जिला कलेक्टर हिताश्व सिंह को एक शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि इस बाबत पुलिस में शिकायत देने के बाद भी दबंगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसके कारण उनकी हौसले बुलंद है और वे उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मंगलवार को अपनी पीड़ा लेकर ब्यावर पहुंचे पीड़ित रामेश्वर लाल कांसठ के पुत्र भगवती प्रसाद ने बताया कि वह कामकाज के सिलसिले में पूना में रहता है और गांव में उसके पिता जो कि अंधे विलाचार है अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। भगवती प्रसाद ने बताया कि टाटगढ़ गांव में उनकी खातेदारी जमीन है। उक्त जमीन पर टाटगढ़ ग्राम निवासी नैनू सिंह तथा कल्याण सिंह आदि ने कब्जा कर मकान बना लिया है। इस बाबत विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की ऐलानिया धमकियां दी जा रही है। पीड़ित भगवती प्रसाद ने बताया कि इस बाबत टाटगढ़ थाने में भी शिकायत दी गई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने से उनके हौसले बुलंद है और आरोपी पूरे परिवार को जान से मारने की ऐलानिया धमकियां दे रहे हैं। आरोपियों के डर से पूरा परिवार भयत्रस्त है। पीड़ित भगवती प्रसाद जिला कलेक्टर से उक्त प्रकरण में शीघ्र ही संज्ञान लेकर आरोपियों को गिरफ्तार करने, जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने तथा परिवार की जान मान की सुरक्षा की व्यवस्था करवाने की मांग की है। और हमारे यहाँ पे खातेदारी की जमीन है टाटगढ़ में, तो कुछ लोग अनिति से हमारी जान के बाहर उन्होंने हमारे कुआ है कुएं के फेरे को खोद दिया और वहाँ पर मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आधे से ज़्यादा उन्होंने बांधकाम भी कर दिया है, पूरे कुएं को खोद दिया है और काफ़ी सारी ज़मीन गैर कायदे से हड़प कर ली और हड़प करने के चक्कर में है। कल यहाँ पे मारामारी हुई थी मेरे फेरे के ऊपर, वो मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे को बोला कि इस ज़मीन में आए तो मैं ज़मीन में गाड़ दूंगा। आज ये पोजीशन होगी, हम टाटगढ़ में अकेले घूम नहीं सकते। उन्होंने बोला कि कहीं पे भी दिखेगा हम तेरे को जान से मार डालेंगे। हमने पुलिस चौकी में भी दिया लेकिन कोई एक्शन नहीं आया और हमारी ज़मीन लोग यूँ ही हड़प रहे हैं। बहुत परेशानी वाले काम हो रहे हैं, ये हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ और मेरे पापा यहीं अकेले ही रहते हैं, उनकी देखभाल दूसरे आदमी करते हैं और वो कहीं बाहर नहीं आ जा सकते। उसके हिसाब से लोगों को ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। वो काफ़ी सारी हमारी ज़मीन जो गांव के मौके पर ही है हड़प कर ली है और बाकी के ऊपर गैर कायदे से बांधकाम कर रहे हैं। इसके लिए हमने आज ये डिप्टी साहब, ये कलेक्टर साहब और ये पुलिस अधीक्षक साहब को, इन सभी को मैंने कंप्लेन की है। और जो हमको ये सताने वाले या हम जो हमारी ज़मीन हड़पने वाले हैं, वो हमारे गांव का उप सरपंच है नैनू सिंह करके नाम है और उसके साथ में एक कल्याण सिंह करके है और इन लोगों की ये गुंडे तत्व है और इन लोगों की पूरी टीम है। ये कहने हम अकेले काम नहीं करते, पूरी टीम के साथ में काम करते, हर किसी को परेशान करते और इनका एक ही काम है कि गैर ये कहीं भी आबादी की यानी ज़मीन पड़ी है कि जिनके जो यहाँ नहीं रहते हैं उनको ये मकान बना लेते हैं और मकान ये पट्टा गिरवा लेते हैं सरपंच के साथ में मिलकर। राखियां ही राखियां, पटेल राखी वाले पेश करते हैं राखियों की विशाल रेंज के साथ। आप पाए डायमंड राखी, चूड़ा राखी, कलकत्ता राखी, चंदन की राखियां, चांदी की राखी, भैया भाभी की जोड़ा राखी और बच्चों की आकर्षक राखियां जिसमें टेडी बियर राखी, घड़ी राखी, कार राखी व अन्य फैंसी राखियां कई डिजाइनों में उपलब्ध है। तो आज ही चले आइए पटेल राखी पर लाल प्याऊ के पास पाली बाजार ब्यावर। कॉन्टेक्ट नंबर 9461275814।